महाराष्ट्र है दो ब्लड सप्लायर, ऐसे चंदौली में चूसा जाता है गरीबों का खून, एक के अस्पताल में दो पैथोलॉजी भी शामिल। चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल द्वारा पुलिस चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उसके पास 2 यूनिट ब्लड बरामद किया गया। पुलिस के पकड़ कर जब उसे थाने लाए तो कई राज और खुले, जब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार चंदौली पुलिस चेकिंग के दौरान भानु प्रताप के 2 यूनिट अवैध ब्लड के साथ गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ ढंग से खून का धंधा करता है। जांच के उसके द्वारा बताया गया कि वो इस ब्लड को निकालकर सस्तुरिक हॉस्पिटल को ऊंचाए दामों में बेचा करते हैं। इस ब्लड की निकालने के लिए कम से कम पैथोलॉजी स्टोर चंदौली तथा गंगा रोड स्थित वैभव पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है। कहा जा रहा है कि करीब जनता का ब्लड निकालकर इन्हें इस ब्लड की कीमत 500 से 1000 रुपए देने के कम किया जाता है। उसके बाद ये ब्लड बिना किसी जांच के सस्तुरिक हॉस्पिटल का सुपुर्द किया जाता है, जिसके एवज पर यूनिट अस्मृतिक हॉस्पिटल द्वारा 2500 से 3000 रुपए में बेचा जाता है। चंदौली पुलिस ने इन दोनों विगत को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी सदर कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि चंदौली कोतवाली के पुलिस द्वारा अवैध तरीके से ब्लड का धंधा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। और उसके साथ साथ दो पैथोलॉजी हैं जिनका ये प्रयोग होता था कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड को निकालने में और प्रोवाइड कराने में, जिनका नाम है शुभम पैथोलॉजी और वैभव पैथोलॉजी। ये दोनों भी हमें प्रथम दृष्टिया लगे क्या कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, तो आज टीम यहाँ पर गई है स्वास्तिक अस्पताल में और शुभम और वैभव पैथोलॉजी में, और इसमें CEO साहब, एसडीएम साहब और थाने की फोर्स रही है एडिशनल CMO के साथ, जो मौके पे जाके अस्पताल को सील कराया गया है, पैथोलॉजी को भी सील कराया गया है। इनके विरुद्ध बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये इलीगल लेवल पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। जो इसमें भानु प्रताप जो पकड़ा गया था उसने बताया था कि ये गांव वालों को कम पैसे में बहला फुसला के ब्लड देने के लिए ले आता था। करीब उसमें से 500 रुपये ये लोग मीडिएशन में ले लेते थे, करीब 1700 से 2000 रुपये गाँव वालों को प्रोवाइड किए जाते थे, और यही चीज़ अस्पताल द्वारा भारी अमाउंट में, भारी कॉस्ट में, करीब 8 से 10 हज़ार रुपये में ये लोग मरीजों को देते थे। और ऐसी भी बात संज्ञान में आ रही है कि इनके पास ऑपरेशन का कोई डेटा नहीं था, ऑपरेशन कराने की इनकी कोई परमिट नहीं थी, क्योंकि इनके जो डॉक्टर्स हैं वो रोस्टर पे हैं, इनके पास एनेस्थेटिक्स नहीं है। बहुत सारी जब हमारी रेट पड़ी है जिसकी वजह से सील हुआ, तो बहुत सारी ऐसी इनमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें पाई गई हैं और गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इस वक्त जो डॉक्टर KP सिंह हैं, जो इसके मालिक हैं और जो ये संचालन करते हैं, वो क्वेश्चनिंग के लिए लाए गए हैं, और पैथोलॉजी के कर्मचारी भी इसमें लाए गए हैं। इसमें और भी कई लोग का नाम उजागर आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं अभी विधिक कार्रवाई हम कराने जा रहे हैं, और ये बड़ा रैकेट है। और थोड़ी बात ये भी निकल रही है कि ये आयुष्मान भारत में भी धांधली करने का इसी के थ्रू इनका सिस्टम था, जो कि इस बात पे हम गहराई से हम जांच कर रहे हैं। इसमें पूरा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मेडिकल विभाग लग के इसकी कार्रवाई कराएगा। जो उसने बताया, जब हम लोग स्वास्तिक हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने मांग की कि हमें वो BST दिखाई जाए जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग जाए। डॉक्टर साहब यहाँ के वो BST दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा हमने ऐसी BST नहीं बनाई, तथा अपनी बातों में कबूल किया कि हम कभी कभी इन लोगों से ब्लड खरीदते थे। ये बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि किस मरीज को किस बीमारी का ब्लड चढ़ा दिया जा रहा है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि प्राइवेट पैथोलॉजी वाले जो उसमें 7 जांचें होती हैं, जिसमें TLC है, हीमोग्लोबिन है, VDRL है, मलेरिया की जांच है, Hepatitis B, Hepatitis C की जांच है और HIV की जांच, ये ब्लड देने से पहले उस ब्लड में जांच, जो कि ब्लड बैंक में प्रॉपर रूप से होता है। प्राइवेट पैथोलॉजी वाले क्या करते हैं कि वो ब्लड डोनर से लिए, ग्रुप मैच करके दे दिए और चढ़ गया। उसे कौन कौन सी बीमारी फैल रही है, ये बहुत बड़ा, मतलब जिसको कहा जा सकता है कि ये नर्सिंग होम द्वारा दुस्साहस है, और ये माफ करने योग्य।